हे गाइस, आज ना हम कस्टर्ड सेवियां बनाएंगे। ठंडा ठंडा ये कस्टर्ड सेविया खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। कस्टर्ड सेविया बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। इसके अंदर ना हम मिक्स ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम किशमिश और मेलन सीड्स लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, इसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी के अंदर हम 1/4 कप वर्मीसेली सेव ऐड करेंगे। वर्मीसेली को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। अब देखिए हमारी वर्मीसेली रोस्ट हो गई है, तो इसके अंदर ना हम 500 ml दूध ऐड करेंगे। दूध को हम गर्म करके ही इसमें ऐड करेंगे। अब इसे ना हमें एक बॉईल आने तक उबालना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ठंडा दूध ऐड करेंगे और इसे ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो सेविया है वो बॉईल हो चुका है, तो इसके अंदर हम 4 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और हमने जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया है वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो नीचे चिपक सकता है। अब देखिए हमारा सेवी एकदम ठीक हो गया है, तो इसके अंदर ना हम रोस्टेड ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब गैस को बंद करके इस सेविया को ना हम ठंडा करने के लिए फ्रीज में रखेंगे 2 से 3 घंटों के लिए और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। तो जल्दी से इसे बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।